सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक घंटा वाला बटन जरूर दबाइए जिससे आप मेरे आने वाली नई वीडियो को देख सकें। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपको मोबाइल के कुछ ऐसे सीक्रेट कोड के बारे में बताऊंगा जिसको अभी तक आप नहीं जानते होंगे। अगर आप जानते भी होंगे तो आप इसको यूज नहीं किए होंगे। और हाँ दोस्तों, जो मैं सीक्रेट कोड बताने वाला हूँ सभी मोबाइल में काम करेगा। वैसे तो मेरे पास सीक्रेट कोड बहुत है, लेकिन मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट सीक्रेट कोड के बारे में बता दूंगा और बाकी सारे सीक्रेट कोड का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना डायलर ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है 2767 3855#। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं टाइप कर दिया 2767 3855। अगर इसके बाद मैं हैच कर देता हूँ तो मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा, मेरे मोबाइल में जितने सारे एप्लीकेशन है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने मोबाइल को फॉर्मेट करना है तो आप इस कोड का प्रयोग कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको दूसरे कोड के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, हमारा दूसरा कोड है *#06। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं डायल कर दिया *#06। अगर इसके बाद मैं हैच प्रेस करूँगा तो मेरा EMI नंबर आ जाएगा। दोस्तों, EMI नंबर वह नंबर होता है जिससे हमारा सिम कार्ड चलता है। अगर किसी का EMI नंबर आपके पास है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वह बंदा कहाँ पे है। तो चलिए, मैं हैच प्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा IMEI नंबर आ गया। अगर आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर चेक करना है तो आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कोड बताने जा रहा हूँ काफ़ी डेंजरस है। तो चलिए, मैं टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं टाइप कर दिया *#*#4636####। अगर मैं इसके बाद ** लगा दूंगा तो मेरे मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए, मैं ** लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन, यूजर इन्फॉर्मेशन, वाईफाई इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, मैं फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल का IMEI नंबर आ गया है और मेरा मोबाइल कौन से नेटवर्क पे चल रहा है, Jio 4G, आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप रोमिंग में है कि नहीं है, कौन सा नेटवर्क है, आपका सिम GSM है, आप GPRS से कनेक्टेड है कि नहीं है, आपके मोबाइल पे कॉल रिजेक्टेड है कि नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑफ रेडियो का, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप फ्लाइट मोड में इंटरनेट चला पाएंगे और आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए, मैं बैक कर देता हूँ। अब दोस्तों, हमको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल जाता है बैटरी इन्फॉर्मेशन, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, आपके बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है, आपकी बैटरी चार्जिंग पे लगी है कि नहीं है, कितना चार्ज है, आपकी बैटरी का स्केल कितना है, आपकी बैटरी कैसी है, अच्छी है कि ख़राब है, और आपके बैटरी का वोल्टेज कितना है, और आपके बैटरी का टेम्परेचर कितना है, और आपके बैटरी की टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, आपको अपने बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब दोस्तों, हमको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है यूजर का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने कौन सी एप्लीकेशन कब यूज किया था, यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। तो दोस्तों, यह फीचर इसका काफ़ी कमाल का है। अब चलिए, मैं बैक कर देता हूँ। अब दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन आ जाता है वाईफाई का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब फिर मैं स्टेटस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई का बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, लेकिन अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है शो नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ से इसका IP एड्रेस मिल जाएगा, नेटवर्क ID मिल जाएगा, कितना स्पीड चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। अब चलिए, मैं बैक कर देता हूँ। अब दोस्तों, हमारा अगला कोड है *#*#2*###. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं टाइप कर दिया *#*#2*###. अगर मैं इसके बाद ** प्रेस करता हूँ तो मेरे कैलेंडर के सारे इवेंट्स आ जाएंगे। चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं कोई इवेंट क्रिएट नहीं किया हूँ।
अगर मैं कोई इवेंट क्रिएट करके रखता तो यहाँ पे आ जाता। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों यह रहे कुछ कोड जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर दोस्तों आप और कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारा कोड दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।